नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि फिल्म फेयर अवार्ड जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था, वहां पर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की जबरदस्त तरीके की मुलाकात होती है और गले मिलते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती है, जिससे भोजपुरी में एकजुटता का परिचय दिया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब एक साथ हो गई है। इस कड़ी में आपको पता होगा कि महेश पांडे के लेकर पिछले कुछ दिनों से कितनी चर्चाएं थी, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इस मुलाकात के बाद कल एक जो है कम्युनिटी पोस्ट आता है कि लायन इज कमिंग बैक, नोट करके लिखा जाता है कि गोबर सिंह बिलार सिंह कल से तुम्हारी बर्बादी चालू है। लेकिन पीछे शेर का फोटो लगा हुआ है और वो जो शेर है वो उसके पंख लगे हुए हैं, तो मैं पहली बार ऐसा शेर देख रहा हूँ जिसके पंख लगे हुए हैं। खैर, जो भी है, आज सुबह सुबह जो है महेश पांडे ने एक वीडियो बनाया है सोशल मीडिया अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी एंटरटेनमेंट जो है, तो उस पर जो चैनल पर वीडियो बनाया है उसको लेकर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब पवन खेसारी मिल गए तो इस तरीके का फिर से आकर गोबर सिंह बोलने की क्या जरूरत है, और इसको लेकर तमाम तरीके के लोग जो हैं वो बातें करते नजर आ रहे हैं और तमाम यूट्यूबर जो हैं इस वीडियोज को लेकर चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में अब ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव के टीम वाले सदस्य जो हैं वो भी अब महेश पांडे से खफा हो गए हैं और महेश पांडे को बायकॉट करने का प्लान कर रहे हैं। इस कड़ी में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। राजीव शर्मा जो कि सारी टीम के सदस्य हैं वो लिखते हैं कि महेश पांडे बाबा, अगर आप पवन सिंह भैया पर जो वीडियो बनाए हैं अगर डिलीट नहीं किया तो मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा, इंतजार करूंगा आज शाम 5 बजे तक। हालांकि 5 बजे तक इंतजार, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद राजीव शर्मा ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सच में वीडियो डिलीट होता है या फिर राजीव शर्मा और पवन जो महेश पांडे हैं उनके बीच का जो फासला है वो दूर हो जाता है, और इस तरीके की चीजें सामने आ रही तो ऑब्वियसली बात करना जरूरी है। खैर, महेश पांडे ने जो वीडियो बनाया है उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या इस तरीके का संदेश फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में देना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।